हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आवर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो एक क्वेश्चन आता है बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि अगर सारे लॉइंस जंगल से रिमूव कर दिए जाएं तो क्या होगा अगर सारे ही लॉइंस जंगल से हटा दिए गए तो होगा क्या लॉइंस फीड करते हैं डियर पर डियर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि पूरा जंगल वो कंज्यूम कर जाएंगे और जिसकी वजह से वो जंगल डेजर्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आई क्या है और कब स्टैब्लिश हुआ आई यू सी एन इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर और स्टैब्लिश किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस क्यों किया गया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंडेमिक स्पीशीज इंडेंजर्ड में क्यों कन्वर्ट होती जा रही हैं क्योंकि एंडेमिक स्पीशीज के साथ क्या है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको मिलती हैं तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है अगर उनके एरिया में भी पॉपुलेशन बढ़ जाती है ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उनका कोई दूसरा दूसरी जगह तो नहीं होती है इसी वजह से वो इनडेंजर्ड की कैटेगरी में चली जाती हैं वो वहीं रहती हैं और धीरे धीरे इनडेंजर्ड में कन्वर्ट होती चली जाती हैं दूसरा आता है अगर कोई न्यू स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है तब भी वो इन में जा सकती हैं या फिर किसी वजह से उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी वो इनडेंजर्ड की कैटेगरी में जा सकती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉरेस्ट हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो एक तो हमारी कितनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं वो दूसरा इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं एंड थर्ड पॉइंट इज दे आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कैसे वहाँ पर आपको हर तरह का प्लांट हर तरह का एनिमल मिल सकता है जो कि शायद दूसरी जगह आपको ना मिले नेक्स्ट होता है आपका प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से होते हैं तो ऐसे एरियाज जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उनकी पॉपुलेशन स्टेबल रहे कम ना होने पाए तो ऐसे एरियाज को हम प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सीड बैंक्स क्या होते हैं तो जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं वहां को वहाँ पर सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है वहाँ पर उनको एक आइडियल टेम्परेचर, आइडियल वेदर में प्रिजर्व किया जाता है कंट्रोल कंडीशंस में प्रिजर्व किया जाता है इसी वजह से वो सीड बैंक की तरह सर्व करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था और क्यों लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था लॉन्च ऑन फर्स्ट अप्रैल 1973 एंड दैट इज लॉन्च टू प्रोटेक्ट टाइगर्स ऑफ आर कंट्री नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जूलॉजिकल पार्क्स कौन से होते हैं तो जूलोजिकल पार्क्स वो होते हैं जहाँ पर जू जूज होते हैं इसमें सारे जूस इंक्लूडेड होते हैं जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स मिलेंगे आपको बर्ड्स मिलेंगे उनको स्पेशल केजेस में रखा जाता है ताकि वो लोगों को नुकसान ना पहुंचा सकें और अपनी लाइफ स्टाइल भी मैंटेन कर पाए तो इसलिए रखा जाता है ताकि लोग अवेयर हों उनकी इम्पोर्टेंस से और उनका जो रोल रहता है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में उससे नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि ट्रीज को हम लगातार काटते चले जा रहे हैं क्यों काटते चले जा रहे हैं होम्स बनाने के लिए फैक्ट्रीज बनाने के लिए इंडस्ट्रीज बनाने के लिए तो कितना जस्टिफाइड है पेड़ों को काटना तो हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं कुछ हमें थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए इस दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिए अब जैसे यूरोप है वहाँ पर क्या होता है घर को ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर ज़मीन फर्टाइल नहीं होती तो वहाँ पर पेड़ भी ज़्यादा नहीं होते हैं तो पेड़ों को काटा भी नहीं जाता कम से कम कटते हैं पेड़ तो अगर इसी अप्रोच को हम अपने देश में लाएँ तो काफ़ी हद तक हमें बेनिफिट मिल सकता है लेकिन अपने देश में थोड़ा सा अगर इन्वायरमेंट लॉज को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें और लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर हों कि ये जो पेड़ हम काट रहे हैं एक दिन हमें ही नुकसान पहुंचाएंगे कितने हेल्थ हजार्ड से हम सफ़र करेंगे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे तो शायद हम इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की सिग्निफिकेंस को समझ पाए हमारी गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए हालांकि हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है बहुत प्रमोट कर रही है काफ़ी मेहनत कर रही है बट थोड़ा सा स्ट्रिकनेस की और ज़रूरत है ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो वो इस चीज को रियलाइज कर पाए हमारे देश में भी लोगों को बैरन लैंड पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनानी चाहिए जबकि एग्रीकल्चरल या फॉरेस्ट्री लैंड पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज नहीं बनानी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिफॉरेस्टेशन की एक क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे तो अगर नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सफर करेगी दैट इज नेक्स्ट जनरेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में ना जानकारी होगी और कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो उन्हें पता ही नहीं होंगे उन्हें मिल ही नहीं पाएंगे किताबों में फोटो ही देखा करेंगे एनिमल्स कितने एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो कितना इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो उनको कितने क्लाइमेटिक चेंजेस फेस करने पड़ेंगे कितने सीजनल चेंजेस फेस करने पड़ेंगे यह हम इमेजिन कर सकते हैं अर्थ पर क्या इफेक्ट होगा डिफॉरेस्टेशन का तो कितने फ्लड्स आएंगे कितनी बार सूखा पड़ेगा सोयल इरोजन कितना ज्यादा हो जाएगा जाएगी कितने डेजर्ट्स नए बन जाएंगे यह हम इमेजिन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा अगर डिफॉरेस्टेशन ऐसे ही चलता रहा तो इन्वायरमेंट पर क्या कॉन्सिक्वेंस हमें फ़ेस करने पड़ेंगे तो एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ग्राउंड वाटर बहुत कम हो जाएगा पानी की शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी हेल्थ कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग फेस करनी पड़ेगी सीजनल चेंजेस क्लाइमेटिक चेंजेस फेस करने पड़ेंगे जिससे वाटर साइकिल भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाइल्ड एनिमल्स पर क्या असर पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन का तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं एक तो उनका घर चला जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से तो वो ह्यूमन प्लेसेस पर इंक्रोच करेंगे या फिर वो उनको फूड शॉर्टेज की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है तो इससे इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा डिस्टर्ब हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सिटीज़ पर क्या असर पड़ेगा तो एक तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा फ्लड्स बहुत ज़्यादा आएंगे ड्रॉट्स बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे नेक्स्ट आता है विलेजेस पर क्या असर पड़ेगा तो जब पेड़ ही कटते चले जाएंगे तो उनकी जो डेली नीड्स हैं जैसे ज़्यादातर विलेजेस में क्या होता है वो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ही फ्यूल पर वुड पर या फिर जैसे फ्रूट्स एंड कितने ज्यादा विलेजर्स होते हैं जो सिटीज़ में आकर अपने फ्रूट्स और डेरी डेरी प्रोडक्ट्स आपके वेजिटेबल्स को सेल करके अपनी डेली अर्निंग करते हैं तो उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा फर्टिलिटी सोयल की रिड्यूस हो जाएगी तो जो क्रॉप ईल्ड है उस पर भी फर्क पड़ेगा एग्रीकल्चरल uh, प्रोड्यूस उस पर भी असर पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं तो ऐसी स्पीशीज जो एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलती हैं उनको हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं आजकल एंडेमिक स्पीशीज कम क्यों होती जा रही हैं एक तो रीज़न हो जाता है आपका इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन न्यू स्पीशीज आ जाती हैं और उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है सो दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू सो मच